हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लेके आई हूँ चिकन भरता की रेसिपी। चिकन भरता जो है वो त्रिपुरा अगरतला की साइड में बहुत ही पॉपुलर एक डिश है। तो इसे कैसे बनाया जाता है, क्या होता है, क्या नहीं, इसके लिए आप पूरी वीडियो को फुल वॉच करें। और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है, यकीन माने। आप एक बार ये रेसिपी अगर देख लोगे और फिर आप ये बार बार बना कर खाओगे। तो चिकन भरता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है बारीक कटा हुआ एक प्याज, जो कि मैंने लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिया है, और लिया है एक टुकड़ा अदरक, चार हरी मिर्च और तीन सूखी मिर्च, और यहाँ पर लिया है बोनलेस चिकन। तो सबसे पहले हम चिकन को बॉईल कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन, तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है। तो अब हम इसमें चिकन को भी डाल देंगे, और फिर इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक। हल्दी पाउडर डालने से चिकन का जो स्मेल है वो चले जाएंगे। तो 5 मिनट के बाद हमारे जो चिकन है वो अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी है, ये देखिए। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सचर जार में अदरक और हरी मिर्च डाल दिया है। अब हम इनको एक पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए, हमारे अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनकर तैयार है। तो यहाँ पर जो 3 सूखी मिर्च है, तो इसको हम गैस की आग में थोड़ा सा जला देंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो चिकन भरता है उसकी टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छी आएगी। तो बॉयल किया हुआ चिकन जो है उसको मैंने एक बाउल में ले लिया है। तब हम इनको अच्छी तरह से हाथों की मदद से इस तरह से तोड़ लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, रोस्टेड रेड चिली और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, और साथ में स्वाद अनुसार नमक। अब हम इन सबको अच्छी तरह से हाथों की मदद से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी जो चिकन भरता है वो बनकर तैयार है। अब हम एक प्लेट में इसे सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी भी है और बहुत हेल्दी भी है। आप इसके साथ में रोटी, पूरी, पराठा या फिर चावल कुछ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। आप एक बार अगर ट्राई करोगे ना तो बार बार बनाकर इसे खाओगे, ये गारंटी है। और इसके साथ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो।